को नमस्कार। जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का YouTube चैनल प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एनटीए नेट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम वैसे तो एनटीए नेट्स यूजीसी नेट का जो रिजल्ट आने वाला है उस पर बात करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था लेकिन वो मैंने डिलीट कर दिया किसी कारणवश, और मैंने बोला था कि रिजल्ट आपका 31 से पहले आएगा। उसका कुछ कारण था, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कैसे जो है 31 से पहले नेट का या आपका यूजीसी नेट का जो है रिजल्ट आ सकता है। दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है फर्स्ट पेपर के संबंधी प्रत्येक टॉपिक की वीडियो मिल जाएंगी। वो वीडियो भी काफ़ी लंबे अध्ययन के बाद बनाई गई हैं। साथ साथ दोस्तों, आपको जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है 20-20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लगभग 100 सेट मिलेंगे, जिसमें 2000 क्वेश्चन होंगे। इनमें से कुछ क्वेश्चन तो दोस्तों ऐसे हैं जो पिछले 10 वर्षों के पेपरों में आ चुके हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इनको आने की संभावना है, जिन टॉपिक से क्वेश्चन बने हैं इस तरह के बनाए गए हैं। दोस्तों इसके अलावा कुछ हमारे YouTube चैनल पे आपको जो है ऐसी वीडियो भी मिलेगी जो कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ऐसे कुछ टॉपिक शॉर्ट आउट किए गए हैं जिनसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वह भी आपको वीडियो में क्वेश्चन भी मिलेगा, क्वेश्चन के साथ उस क्वेश्चन की फुल डिटेल या उस टॉपिक की फुल डिटेल भी मिलेगी, ताकि भविष्य में अगर उनसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर पाएँ। तो दोस्तों, ये तो हमारे आपको जो है जो लोगों का अभी नेट में हो जाएगा उनके लिए तो एडवांस में ही मैं मुबारकबाद और कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ, लेकिन जो कोई रह जाएगा तो उसके लिए जो है हमारी फिर दोबारा मेहनत करने की आवश्यकता है, और आपको जो है बहुत अच्छा कहना मतलब मटेरियल हमारे यूट्यूब पर चैनल पर मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं जो है अभी नेट का जो रिज़ल्ट आने वाला है तो उसके अपडेट के बारे में। एज़ पर जो हम एनटीए नेट ने जब से एग्ज़ाम लेना शुरू किया है, तो मैं आपको बता देता हूँ अपना जो है एक जो है फार्म भरने से पहले बुलेटिंग निकालते हैं, तो जिसको बुलेटिंग न्यूज बोला जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ जब ये 2018 दिसंबर का एग्ज़ाम लिया हुआ था, यह भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम था और एनटीए ने ही लिया था, तो इसमें जो आप देख रहे होंगे इसमें पहले तो आपको डेट दिया है एप्लीकेशन का, फिर कब तक जो है डेट ऑफ सक्सेसफुल आपको फाइनल ट्रांजैक्शन करना था उसका डेट दिया है 1/9/2018 तक, और उसके बाद फीस के बारे में बताया गया है किसका कितना लगेगा, और उसके बाद जो है अब हम नीचे आ जाते हैं सीधा जो हमको बात करनी है। हम बात करना है कि जो अभी UGC एनटी नेट का जो रिजल्ट 31 को घोषित किया है, लेकिन मैं बताया था कि 24 से लेके 25, 26, 27 तक हो सकता है, संभावना है कि रिजल्ट आ जाए, क्योंकि इसी आधार पर मैं बताया जो मैं अपनी पिछले 3-4 वार्ड से देख रहा हूँ, तो इसमें जो है देखो डिक्लेयर ऑफ रिजल्ट ऑन एनटीए वेबसाइट पर लिखा था 10 जनवरी 2019 को। इनके अनुसार जो इन्होंने डेट दी थी, इन्होंने जो अपना न्यूज निकाला था बुलेटिंग न्यूज निकाला था उसमें इन्होंने डेट दी थी एनटीए नेट द्वारा, एनटीए एजेंसी द्वारा डेट दी गई थी 10 जनवरी 2019। लेकिन देखो दोस्तों, इसमें आप देख लो जो एनटीए यूजीसी नेट का दिसंबर 2018 का रिजल्ट घोषित हुआ था वह 5 जनवरी को हो गया था, क्योंकि यह भी एग्ज़ाम मैंने दिया था और मैं भी नहीं सोचा था कि 10 तारीख को ही रिजल्ट आएगा, उससे पहले नहीं आएगा, और मैं नहीं देखा, मैं भी 2 दिन बाद रिजल्ट देखा, 1-2 दिन बाद ही देखा, 5 तारीख को रिजल्ट घोषित हो गया था। तो आपको यह डिक्लेयर कर दिया था, अनाउंस कर दिया था 5 जनवरी 2019 को, तो 10 जनवरी की डेट दी थी लेकिन 5 जनवरी को, तो 5 दिन पहले जो डेट एनटीए नेट ने, ये कब की बात है, ये है आपका दिसंबर 2018 का रिजल्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अभी जो जून का एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में बात कर लेते हैं, और मैंने भी जून का एग्ज़ाम दिया था और उसमें मैं आपको आपका अपना सर्टिफिकेट दिखाऊँगा इसमें तो दोस्तों इसमें जो है ये पूरा इसमें एक शेड्यूल दिया था, शेड्यूल में देख लो आप पहले वही चीज़ें हैं कब से कब तक फार्म भरा जाना है, 1 तारीख से 30 मार्च 2019 तक, फिर 1 अप्रैल को जो है आपका फीस का था, फिर इसमें फीस किसकी की जनरल की कितनी है और OBC की और SC ST की कितना है ये था, और लास्ट में जो है
डाउनलोड एडमिट कार्ड का 15 में ही था, 2019 था। ये सब छोड़ो, अब लास्ट में आते हैं हम डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन NTA वेबसाइट पे। इन्होंने दिया है बाय 15 जुलाई 2019। जो जून का एग्ज़ाम हुआ था, जून के एग्ज़ाम के लिए जो NTA नेट ने अपना बुलेटिन न्यूज निकाला था, उसमें डेट दिया था कितना, 15 जुलाई 2019। आप इसमें देख लो, आप बुलेटिन न्यूज में भी देख सकते हो, वेबसाइट पे जाके वो आप डाउनलोड करके देख लो। अब मैं दिखाता हूँ आपको रिजल्ट कब घोषित हुआ। तो दोस्तों ये सर्टिफिकेट मेरा खुद का है, नरेश सिंह के नाम से है, देख लो। और इसमें नीचे लिखा है 12 जुलाई 2019 को NTA नेट ने कब अपनी डेट दी, जून 2019 वाले एग्जाम के लिए 15 जुलाई दी थी। लेकिन 15 जुलाई से 3 दिन पहले ही जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रिजल्ट घोषित कर दिया, यानी कि 12 तारीख को ही रिजल्ट घोषित कर दिया था। और दोस्तों अभी जो है, अभी जो दिसंबर 2019 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें डेट दी है 31 दिसंबर 2019। तो इस आधार पर मैं आपको अपडेट करना चाहता हूं दोस्तों, जो भी NTA नेट या UGC नेट का एग्ज़ाम दिए हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, हालांकि डेट दी गई है 31 दिसंबर, तो ये होना ही होना है, लेकिन एज पर जो पहले से NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो डेट दी है 2018 में 5 दिन पहले, और 2018 करने मतलब 18 का रिजल्ट जो आया था 10 जनवरी डेट थी, और उसको 5 जनवरी को डिक्लेयर कर दिया था, और जो जून का था उसकी 15 जुलाई दी थी और 12 जुलाई को डिक्लेयर कर दिया था। तो अभी जो है इसका 31 दिसंबर है, तो हो सकता है 31 दिसंबर से पहले, संभावना 5 दिन। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपको 24 तारीख से लेके 27 तारीख तक अगर पहले की तरह रिजल्ट डिक्लेयर होता है 5 से 6 दिन पहले, तो आपका हो जाएगा। यह आपकी अपडेट मैं NTA नेट एजेंसी के जो इन्होंने बुलेटिन में अपना डेट दी है और रिजल्ट जो घोषित किया है वो कितना समय पहले कर देते हैं उस आधार पर बता रहा हूँ। तो दोस्तों अपना रिजल्ट के लिए मैं बता दिया आपको, ये संभावित हो सकता है। तो अभी तो आज तो 21, तो और 24 के बाद कभी भी रिजल्ट आपके आने की संभावना। अभी मैंने एक वीडियो इससे पहले बनाया था दोस्तों, उसमें जो है मैंने इसी नॉर्मल ही बना के डाल दिया था, इसी आधार पे ये डॉक्यूमेंट, ये पूरा रिकॉर्ड मेरे पास पहले भी था, लेकिन मैंने तो उसमें कुछ लोगों ने कमेंट्स किए अलग अलग तरह के, वो मैंने डिलीट कर दिया है। अब ये बिल्कुल आपको आपके जो है NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो जिस तरह से पहले से डिक्लेयर हुआ है उस आधार पर बोल रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।